नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे यूट्यूब चैनल JUBPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। इंटरनेशनल महिला दिवस पर इस रेलवे स्टेशन ने पेश की नारी शक्ति की मिसाल। इंटरनेशनल महिला दिवस के शुभ अवसर पर बिहार के समस्तीपुर स्टेशन ने नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की है। महिला दिवस को खास बनाने के लिए ट्रेन की सारी बागडोर महिलाओं के कंधों पर सौंप दी गई थी। ट्रेन चलाने से लेकर ट्रेन रोकने तक की जिम्मेदारी महिलाओं की थी। इतना ही नहीं, टिकट देने और चेक करने का भी दारोमदार महिलाओं ने ही संभाला। वैशाली के वैशाली महोत्सव में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वैशाली महोत्सव जैन धर्म के अनुयायियों का एक त्यौहार है, जिसे भगवान महावीर के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष वैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से आए तमाम पर्यटक सम्मिलित होते हैं। पर्यटकों की संख्या को देखते हुए इस महोत्सव की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीपीएससी ने की 65वीं सीसीई परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 65वीं संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा, जो 15-10-2019 और 17-2-2020 को आयोजित की गई थी, उसके परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपने परीक्षा परिणाम को चेक कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा परिणाम का वेब लिंक दे रहे हैं। आप उस पर क्लिक कर अपना परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। होली में घर आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन। होली आने में अब बस कुछ ही दिन का समय बचा है। ऐसे में रेलवे विभाग ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही कई विमानों को भी शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। खबरों की माने तो दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, हावड़ा सहित अन्य रूटों से पटना के लिए और होली के बाद वापसी के लिए एक दर्जन से अधिक होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं दिल्ली और मुंबई से बिहार आने के लिए भी स्पेशल फ्लाइट की सुविधा शुरू की गई है। बिहार दिवस का आयोजन होगा पटना के गांधी मैदान में। 22, 23 और 24 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का आयोजन इस बार पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। इसको लेकर फैसला ले लिया गया है। खबरों की माने तो आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी जिलों के SRC, KRP तथा जिले की कला टीम के 12 कलाकार भाग लेंगे, जो बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी कला प्रस्तुत करेंगे। 25 दिन के अंदर खराब हुई फसलों की मिलेगी राशि। राज्य में हाल ही में बारिश और बर्फ गिरने के कारण किसानों की खराब हुई फसलों की राशि दी जाएगी। बिहार सरकार ने हाल ही में जारी किए गए आदेश के अनुसार आने वाले 25 दिनों में सभी किसानों को उनकी राशि सौंप दी जाएगी, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने खुद दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रभावित किसानों से 9 मार्च से ऑनलाइन आवेदन भरने की मांग की है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि प्रसाद सिंह की। बिहार के बेगूसराय जिले के जन्मे वाल्मीकि प्रसाद सिंह सिक्किम के 14वें राज्यपाल का कार्यभार संभाल चुके हैं। वाल्मीकि के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने स्नातक तक की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की है। वह एक लेखक, विचारक और एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति से संबंधित पुस्तकों और कई सारे लेख भी लिखे हैं। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति के बारे में उन्होंने कई किताबों का वर्णन किया है। बिहार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी पद के लिए 865 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा इन ANM का होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मार्च तक स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। प्रदेश के इन 3 यूनिवर्सिटी के कुलपति नहीं ले सकेंगे अब कोई नीतिगत निर्णय। पटना के राजभवन ने प्रदेश के 3 यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों पर किसी भी तरह के नीतिगत निर्णय को लेने से रोक लगा दिया है, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी सिंह, TMBU के प्रभारी कुलपति और BNMU के नियमित VC प्रोफेसर AK रॉय का नाम शामिल है। ज्ञात हो इन सभी कुलपतियों के लिए जारी किया गया आदेश उनके रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर लिया गया है। 11,880 पदों के सिपाही बहाली परीक्षा का आयोजन होगा आज। 11,880 पदों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा का आयोजन आज होने जा रहा है, जिसके लिए अगर हम केवल पटना की बात करें तो 37 केंद्रों का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, सिपाही बहाली की इस परीक्षा को देखते हुए 23 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को भी शुरू करवाया गया है। वहीं आज यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। वहीं आपको बता दें, यह परीक्षा पहले 20 जनवरी को आयोजित होने वाली थी, मगर किसी कारणवश इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर अस्पताल का किया उद्घाटन। मधेपुरा जिले में हाल ही में बना जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कर दिया। मिथिला के लाखों लोगों को इस अस्पताल का न जाने कब से इंतजार था। वहीं उद्घाटन समारोह के लिए 25 एकड़ में फैले इस मेडिकल कॉलेज परिसर के भीतर विशाल पंडाल बनाया गया था, जिसमें 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद अब यह अस्पताल आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया है। सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों का होली का वेतन रुका। सड़कों पर उतरे सभी नियोजित शिक्षकों पर सरकार अब सख्ती से पेश आने वाली है। सरकार के बार बार समझाने के बावजूद सभी नियोजित शिक्षक अपनी ही मांग पर जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था सड़कों पर आ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अब सभी ऐसे शिक्षकों के होली के वेतन को रोकने का ऐलान किया है। कोइलवर पुल पर जाम से अब लोगों को मिलेगी निजात। पटना आरा के बीच जाने वाले कोइलवर पुल पर आए दिन ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है, मगर अब जल्द ही लोगों को इस जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा। खबरों की माने तो अप्रैल महीने के अंत तक सोन नदी पर बन रहे पुल के एक हिस्से को अप्रैल महीने में आम नागरिकों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। मैट्रिक की कॉपी चेक करने वालों को सरकार देगी ज्यादा पैसे। एक तरफ पटना के सभी नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं, जिससे मैट्रिक और इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने जिले के सभी डीएम को आदेश जारी करते हुए यह साफ कहा है कि पटना में मैट्रिक की कॉपियों की जांच करने वाले सभी गेस्ट फैकल्टी को ज्यादा पैसे दिए जाएं। यस बैंक में बिहारी निवेशकों की बढ़ी समस्या। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक की कई सेवाओं में रोक लगने के बाद से यस बैंक के ग्राहकों की समस्याएं बढ़ गई है। यस बैंक बंद के ऐलान के बाद बिहार में जमा पूंजी को लेकर लोगों में संशय है, जिसके लिए शनिवार को पटना के एग्जीबिशन रोड में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन 50,000 से एक भी रुपया ज्यादा निकालने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई। वैशाली में बड़े ही अनोखे अंदाज में हुआ तेज प्रताप यादव का अभिनंदन। लालू के लाल तेज प्रताप यादव इन दिनों तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने बीते दिन वैशाली जिले से की थी, जहां उनके समर्थकों ने उन्हें मंच पर सिक्के से तौला। सिक्के से तौलने के बाद समर्थकों ने तेज प्रताप को चांदी की मुकुट भी पहनाई। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने आयोजित सभा में नीतीश सरकार पर भी जमकर बयानबाजी की। जदयू नेता ने चिराग पासवान पर की टिप्पणी। कुछ दिनों पहले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार में विकास के बहुत सारे दावे किए गए हैं, मगर हकीकत यही है कि प्रदेश कुछ मामलों में अभी भी काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जिसके जवाब में बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि गठबंधन दल के सभी नेताओं को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। चिराग खुलेआम बिना किसी चिंता के घूम रहे, यह सबसे बड़ा सबूत है कि बिहार में बदलाव हुआ है। सुशील कुमार मोदी ने लकड़ी के उद्योग को लेकर कही बड़ी बात। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश के लकड़ी उद्योग कर्मियों के लिए अहम सूचना जारी की है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सभी लकड़ी उद्योग कर्मियों को औद्योगिकी नीति प्राथमिक सूची में शामिल करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लकड़ी आधारित उद्योगों को बजट सत्र में बिहार राज्य कोष्ठ आधारित उद्योग स्थापना व विनियामक विधेयक पारित किया जाएगा। चिराग पासवान ने एक बार फिर नियोजित शिक्षक का उठाया मुद्दा। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान इन दिनों बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने अब तक कई जनसभाओं का भी संबोधन किया है। साथ ही अब उन्होंने नियोजित शिक्षक साथ ही साथ टीईटी शिक्षकों का मुद्दा भी अपने साथ जोड़ने का मन बना लिया है। खबरों की माने तो चिराग पासवान नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को अपने पार्टी मैनिफेस्टो में शामिल करने वाले हैं। फोन पे यूजर को मिली राहत। हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है, जिसके बाद यस बैंक के कार्ड धारकों के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी समस्या देखने को मिली। वहीं अब फोन पे ने अपने सभी यूजर को राहत की खबर देते हुए अपने आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी देते हुए यह बताया है कि ट्रांजैक्शन में हो रही समस्या का समाधान हो गया है। 24 घंटे के बाद यूपीआई पूरी तरह से फोन पे पर रिस्टोर हो गया है, यानी अब फोन पे यूजर्स बिना किसी परेशानी के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आईपीएल से पहले धोनी के बल्ले से छक्कों और चौकों की हो रही है बारिश। मैदान में लंबे समय से बाहर चल रहे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्रिकेट की दुनिया में कई सारी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली थी, लेकिन इन सब के बावजूद 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल से पहले धोनी ने प्रैक्टिस मैच के दौरान बड़े बड़े छक्के लगाए हैं, जिसका वीडियो स्टार स्पोर्ट्स तमिल ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से शेयर किया है। अब चले बढ़ते मौसम के खबरों की ओर। ठंड का असर अब लगभग खत्म हो चुका है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण लोगों को राहत मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने की भी संभावना है, वहीं बारिश भी हो सकती है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिनभर निकलने की संभावना है। वहीं हवा के चलने की वजह से बादलों का आना जाना लगा रह सकता है, साथ ही कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 42,430 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,500 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 75.64 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 68.23 रुपए प्रति लीटर था। जी थिएटर मनाएगा स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ का जश्न। महिला दिवस के शुभ अवसर पर जी थिएटर टाटा स्काई 7 दिलचस्प कहानियों के माध्यम से स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ का जश्न मनाएगा, जो कि आने वाले एक सप्ताह तक जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत बीते शनिवार से हो चुकी है। जी थिएटर द्वारा जारी किए गए इस कार्यक्रम में डॉल्स हाउस, गुड़िया की शादी, शिरीन शाह, सक्कूबाई समेत अन्य कहानियों को दर्शाया जाएगा। ईशा अंबानी की होली पार्टी में कई सेलेब्स होली खेलने पहुंचे। होली आने में अभी भी भले ही 2 दिनों का समय है, मगर बॉलीवुड के गलियारे में होली की गूंज सुनाई देने लगी है, जिसकी शुरुआत ईशा अंबानी के होली पार्टी से हुई, जिसमें शामिल होने के लिए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंचे, जिसमें निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर सबसे ज्यादा ट्रेंड में देखने को मिली। वहीं ईशा अंबानी द्वारा होस्ट किए गए इस पार्टी में सोनाली बेंद्रे, नीता अंबानी, कैटरीना कैफ समेत कई बॉलीवुड की हस्तियां शामिल होने पहुंची थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है विकी कुमार, नीरज कुमार, सुमन मिश्रा, अमरेश उपाध्याय, धीरज कुमार, राजेश कुमार, रितेश रंजन, विकास कुमार, मिथिलेश भाई, संजीत कुमार, सतीश कुमार, देवनारायण, मुकेश पासवान। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को किस क्षेत्र में सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।